भागलपुर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी वर्तमान सांसद अजय मंडल ने लगातार दूसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन रैली गौशाला परिसर से निकली, जो दवाई पट्टी स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, घंटाघर चौक होती हुई समाहरणालय पहुंची, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के समक्ष अजय मंडल ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल हुए। नामांकन से पूर्व अजय मंडल ने गौशाला परिसर में गौ माता की पूजा की। तत्पश्चात समर्थकों और एनडीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ कचहरी पहुंचे और जिलाधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान समर्थक जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। साथ ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में भी नारेबाजी की। पर्चा दाखिल करने के बाद निकले अजय मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भागलपुर में काफी विकास हुआ है, इस बार हवाई अड्डा भी बन जाएगा, साथ ही पूरे देश में 450 सीट जीतने का दावा किया। गौ माता का और सभी देवी देवताओं का स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेकर के नॉमिनेशन के लिए आ हुआ है। आप इसको समझिए, आप हमको क्यों कह रहे हैं? पूरा देश ही देश रंगा हुआ है, तो हम देश से बाहर हैं क्या? क्या लग रहा है? जय श्री राम। जनता का हर मुद्दा वो मेरा मुद्दा है। चुनौती भी होगी अजय जी, चुनौतियाँ क्या? पिछले बार क्या छूट गया था जो इस बार पूरा किया जाएगा? जितना भी छूटा था वो सब पूरा किया जाएगा। हवाई जहाज की मांग थी सर, सब मांग पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जितना काम हो रहा है पूरे देश के अंदर, भागलपुर में तो जग जाहिर है जितना काम हो रहा है, तो जो बचा हुआ है उनको पूरा कर दिया जाएगा। समर्थन में कौन कौन आ रहे हैं? समर्थन में बहुत सारे नेता हमारे एनडीए गठबंधन से आ रहे हैं। अब जो जो मंच पर होंगे जाकर के वहाँ आशीर्वाद मिल रहा है सर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, क्या लग रहा है बिहार में? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार होगा, जनता कह रहा है कि आपको हम 450 पार कर देंगे। हम लोग तो कम ही बोल रहे हैं, जनता उससे ज्यादा, जनता का आवाज उससे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट मिला है। खास तौर से भागलपुर लोकसभा सीट पर काफी दिनों से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया। टिकट मिलते ही अजीत शर्मा के आवास पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ कर खुशी जाहिर की। नगर विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने टिकट मिलने के बाद कहा कि भागलपुर सीट पर कोई संशय नहीं था। टिकट को लेकर जनता की आवाज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सुनी। इसके बाद विश्वास जताते हुए कांग्रेस ने भागलपुर लोकसभा से हमें टिकट दिया। आगे अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर का विकास बाकी है, कुछ विकास नहीं हुआ है, जीतने के बाद भागलपुर में विकास की गंगा बहेगी। संशय की घड़ी खत्म हो गई, टिकट मिला है आपको, क्या कुछ कहिएगा? क्या संशय था जो आप संशय की घड़ी खत्म हो गई? हाँ, निश्चित तौर पर पूरी जनता का जो अपेक्षाएं थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा में, आज जब अनाउंसमेंट हुआ AICC में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, संशय इसको मत बोलिए, जनता की आवाज थी कि विकास के लिए अजीत शर्मा को चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि मैं विधायक हूँ यहाँ, फिर भी जनता चाहती थी मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, इसलिए जनता की आवाज हमारे पार्टी के आला कमानों ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, आदरणीय राहुल गांधी हो, मैडम सोनिया गांधी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हो, सबने जनता की आवाज सुनी और मुझे आज उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई है। मैं अभी पटना जा रहा हूँ सिम्बॉल लेने के लिए, उसके बाद आके 4 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। आज नॉमिनेशन हमारे सांसद ने किया है अजय मंडल जी ने, आप देखिएगा नॉमिनेशन में पूरी अपार भीड़ आएगी। जनता इतनी उत्साहित है, वो भीड़ को देख के समझ जाइएगा आप लोग मीडिया बंधु कि चुनाव अजीत शर्मा नहीं, विकास की जीत होगी, भागलपुर की जनता की जीत होगी। क्या कुछ विकास आपको लग रहा है? सर सारा विकास ही बाकी है, हुआ क्या है? जो मैंने आवाज उठाई जितनी सदन में, आप रिकॉर्ड में देखिए, चाहे वो समानांतर पुल विक्रमशिला का वो बन रहा है, चाहे वो बाईपास मिर्जा चौकी से मुंगेर तक जो बन रहा है 4 लेन वो बन रहा है, चंपानाला पुल बना, भोलाला पुल जो शुरुआत हुआ, सब मेरी आवाज है, हर वर्ष वो आवाज उठाए हैं। बोलना और करने में फर्क है। और जनता चाहती थी कि भागलपुर का बहुत आज बाढ़ से कटा हो रहा है जमीन का, किसानों को देखने वाला नहीं है, क्या इस सांसद ने कुछ देखा है? ये सारी चीज व्यवस्था की जाएगी,
और जनता की आवाज जिस तरह विधानसभा में बने हैं, अगर जनता मुझे मौका देती है लोकसभा जाने का, और मुझे उम्मीद है कि मौका देगी, लोकसभा में उनकी आवाज बनेंगे, उनके सारे काम को करेंगे। क्षेत्र में कितना समर्थन मिल रहा है? सर हमको लगता है कि कोई लड़ाई ही नहीं है, जो मैं घूम रहा हूँ लगता है कि पूरी जनता विकास के नाम पे मुझे वोट करेगी और भागलपुर का विकास होगा। कितना वोट से जीतिएगा? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हमको लगता है कोई लड़ाई नहीं है। मीडिया वाला नहीं बताएगा। लेकिन बांका लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जवाहर कुमार झा अपने हजारों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर ढोल और गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए बांका समाहरणालय पहुंचे। उनके समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा को फूल माला के साथ स्वागत किया एवं सांसद के तौर पर जीतने की उम्मीद को लेकर नारेबाजी की। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ बांका के हजारों की संख्या में जनता साथ थी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद जवाहर कुमार झा ने कहा कि जीतने के बाद बांका लोकसभा में जो विकास कार्य अब तक नहीं हुआ है वो विकास मैं करूंगा। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं बांका के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जवाहर कुमार झा ने बताया कि अब मुझे जनता पर पूरा उम्मीद है और जनता का आशीर्वाद मुझे चाहिए, जनता का मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले तो मैं बांका लोकसभा के एक एक जन को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्यार जिस तरीके से प्यार बरसा रहे हैं, जो मेरा लक्ष्य है, जो अपना लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बांका में विकास करेंगे, बांका को नया बांका बनाएंगे। बांका में कोई राजनीति नहीं होगी, बांका को राजनीति से सेव करना है, सुरक्षित करना है और एक एक जन को उनका अधिकार दिलाना है, जो आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उपेक्षित है, उनको मैं जवाहर झा ये वादा करता हूँ कि मैं उनको दिलाऊंगा ये अधिकार, मूलभूत सुविधा भी और उसके बाद में उनको लग्जरी भी सुविधा मिलेगी। ये सपना देखना हम लोग स्टार्ट करें। जनता कितना सपोर्ट कर रहा है सर? जनता का सपोर्ट आप देख ही रहे, जनता हमें माला कम पड़ गया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। परिवर्तन का हवा नहीं चल रहा। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी तरीके से चुनाव लड़ सकते, हम निर्दलीय नहीं है, हम किसी भी कोई एक पार्टी जो सेंट्रल पार्टी है वो यहाँ पे हिम्मत नहीं कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं गठबंधन में आते हैं, उनको मजबूत करेंगे। बांका वासियों को सपना देखना स्टार्ट करें, विकास का सपना देखना स्टार्ट करें। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। Bye.
भागलपुर से एनडीए के उम्मीदवार जदयू के निवर्तमान सांसद अजय मंडल ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। नेताओं ने अजय मंडल को फिर से जिताने की अपील की है। मंच से विजय सिन्हा ने कहा कि इतिहास बदलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया वो किया है, राष्ट्र को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाना है तो हमारे प्रत्याशी अजय मंडल को फिर से जिताएं और इस बार 400 पार की नारा को साकार करना है। कांग्रेस और राजद के लोग वंशवादी है, भ्रष्टाचारी है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मंच से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने कैबिनेट में कानून बनाया है, ये जो बालू माफिया है, शराब माफिया है और भू माफिया है, उसे चुनाव के बाद बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। जो गरीबों का जमीन लूटता है उन लोगों पर कार्रवाई होगी, नदी सुखाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए जरूरी है कि मौजूदा प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी दुनिया के हर कोने में भारतीयों को सम्मान मिल रहा है, दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था हमारी है, पिछले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। देश के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय सरवन कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय सुनील जी, आदरणीय जयंत राज जी, माननीय विधायक गोपाल मंडल जी, माननीय विधायक ललन पासवान जी, माननीय विधायक राजीव सिंह जी, माननीय विधायक ललित जी, सम्मानित मंच साथियों, सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और एनडीए के सभी साथीगण, आज हम आपसे आग्रह करते हैं। हम लोगों ने 2 मार्च को तय किया, बिहार के गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज मिलता है ना, कितने लोगों को अनाज मिलता है, हम बताइए तो। अब सोचिए कि इसमें से 70% लोगों को मिल रहा है। उसी तरह बिहार के 14 करोड़ की आबादी में लगभग 10.5 करोड़ लोगों को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 21 लाख परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 58 लाख परिवार को बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार में तय किया है, जिसको जिसको 5 किलो अनाज मिलेगा उसको उसको 5 लाख तक का जो इलाज है वो सरकार कराने का काम करेंगे। साथियों, आपको बीमारी पड़ने पर जो हमारी बहनों को गहना बेचना पड़ता है, हमारी माँ बहनों को अपना जमा पूंजी निकालना पड़ता है, वो सारे बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ आग्रह एक ही है, 15 दिनों में तो 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड हमने बनवा दिया। अब हम आपसे आग्रह करेंगे, अब पूरी तरह जिसको जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप लोग पीडीएस के दुकान पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप जन वितरण प्रणाली के दुकान पर, सीएसए सेंटर पर या किसी भी कंप्यूटर वाले ज्ञान वाले बच्चे के पास जाकर अपना आयुष्मान कार्ड निकलवा लीजिए। आपका इलाज की व्यवस्था, गरीबों की चिंता करने वाला मोदी और नीतीश है साथियों, यही हम आग्रह करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और कह है साथियों, ये माफियाओं पर काम होना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर हमारे वरिष्ठ मंत्री सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने कैबिनेट में भी कानून बनाया और बिहार के विधानसभा से भी माननीय कई विधायक हमारे यहाँ उपस्थित है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में चुनाव के बाद या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। ये स्पष्ट है साथियों, क्योंकि अभी पक्षपात का आरोप लग सकता है जिलाधिकारी पर, लेकिन ये कानून हम लोगों ने बना दिया। ये जो माफिया है, बालू माफिया, जो पूरी नदी को सूखने का काम कर रहा है, जो सर गरीबों के बीच में शराब बेचने का काम कर रहा है और जो गरीबों का जमीन लूटता है, उन सब लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे साथियों कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत बढ़ रहा है और दुनिया में, ठीक कहा आदरणीय चिराग जी ने, आज दुनिया में
जहां आप 2014 में आपने जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई थी सर, तो 14 में हमें 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे। आज जिस अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक हम पर राज किया, उसको हराकर, उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। और कल ही हम लोगों ने रिपोर्ट जारी किया साथियों, बिहार जैसा गरीब प्रदेश भी बनाया और लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हमको बिहार को मिलता है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया आप सभी लोगों के सहयोग से संसद। आप लोग हाथ उठा के खड़ा के बोलिए बोलिए जय जय श्री राम। इच्छा शक्ति है, इन्हीं प्रधानमंत्री में यह शक्ति है कि आज देश तो क्या दुनिया में भारत का डंका बजता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरीके से भारत और भारतीयों को सम्मान मिलता है, जिस तरीके से हर बीतते दिन के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे कि भैया देश की अर्थव्यवस्था में भारत दहाई के आंकड़े पे आता है या 100 से पार हो रहा है, कोई नहीं जानता था ये। पर पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी है। लोग सोचते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। साथियों, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों की चिंता की, महिलाओं के लिए शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना लेकर आए, तो एक गरीब वर्ग का व्यक्ति, कोई बुजुर्ग आर्थिक कठिनाई के अभाव में इलाज से वंचित ना रह जाए, आयुष्मान की योजना भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आने वाले संकल्प लेने वाले लोगों की जमात है। इतिहास बदलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो किए हैं। आज एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका साथ सबका विकास अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के घर तक पहुंचाया है। लेकिन राष्ट्र को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाना है तो हमारे बीच माननीय अजय मंडल जी को भारी बहुमत दे करके जिता करके फिर इस बार 400 पार के नारा को साकार करना है। एक विकसित भारत विकसित बिहार का वातावरण बनाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगा कि बिहार को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए एनडीए ही सबका साथ सबका विकास कर सकता है, ये भाव को लेकर के आगे चला है। जो विपक्ष में बैठा है ये कांग्रेस और राजद के लोग, ये लोग सिर्फ परिवारवादी है, वंशवादी है, भ्रष्टाचारी है, तुष्टिकरण की राजनीति से समाज को विभाजित करने वाले लोग है। सबको साथ लेकर सबका विकास नहीं कर सकते। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सब लोग मिलकर के आज मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करें। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, मोदी जी है तो विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना साकार होगा। हम लोगों को अपने लिए नहीं, आने वाला भावी पीढ़ी के लिए एनडीए के उम्मीदवार को पूरी ताकत से विजय करके 400 पार के नारा को साकार करना, यही आग्रह करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
भागलपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज सुंदरवती महिला कॉलेज के नाम से सोशल साइट पर साइबर क्राइम करने वाले लोगों ने 18 प्लस नाम से वेबसाइट क्रिएट किया है, जिसमें कि कॉलेज की बदनामी हो रही है। दरअसल गूगल पर सुंदरवती महिला कॉलेज के नाम से वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें एसएम कॉलेज गर्ल के नाम से कुछ तस्वीरें डाली गई है। वेबसाइट पर कई नंबर का भी जिक्र किया गया है। वेबसाइट खोलने के बाद सोशल साइट के फेसबुक अकाउंट भी दिख जाता है, जिसमें अश्लील वीडियो पोस्ट की गई है। बताया जा रहा है कि कई सालों से कॉलेज के नाम पर या वेबसाइट चलाई जा रही है, जिसमें कॉल गर्ल वाली वेबसाइट गूगल पर ट्रेंड कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर के प्रतिष्ठित महिला कॉलेज में एक सुंदरवती महिला कॉलेज, जिसके नाम से कई अश्लील वेबसाइट बनाए गए हैं। मामले को लेकर प्रभारी प्रचार मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि जानकारी मिली है, एसपी से मिलकर लिखित शिकायत करेंगे, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में अगर कोई छात्रा या कर्मी संलिप्त पाए जाते हैं तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कॉलेज की बदनामी हुई है, इसे वापस कोई नहीं कर सकता, जो भी दोषी पाए जाएंगे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जिले में प्रतिष्ठित महिला कॉलेज की गिनती में आता है एसएम कॉलेज। यहां पर हजारों की संख्या में लड़कियां पढ़ाई करती है। कॉलेज के नाम से अश्लील वेबसाइट बनाया गया है, जिससे अब कॉलेज की बदनामी होना शुरू हो गई है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई है। सोशल साइट पर इस तरह की अश्लील वेबसाइट से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो इसके बारे में तो मुझे जानकारी अभी नहीं है तत्काल में, और आज आप लोग जानकारी दिए तो आप हम इसे एसएसपी से मिलकर इसको लिख कर देंगे, ताकि यह बंद हो सके। यह गलत है महाविद्यालय के लिए। किस तरह को देखते हैं सर, एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इस तरह की वेबसाइट जो है साइबर कर रहे हैं, इसको किस तरह आप लोग देखते हैं? यह सरासर गलत है, और यह हम लोग को जानकारी में है ही नहीं सबसे पहले। और जिस दिन जानकारी में, जैसे आप आज आप लोगों ने दी हमको जानकारी, आज मैं शाम को ही एसएसपी के पास लिखकर पहले भेजूंगा रिमाइंडर, और इसके बाद उस पर जो कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे सर? मैंने अब जो लड़की पकड़ा जाएगी जो कर रही है ये, उसको तो पहले सबसे पहले टीसी दे देंगे यहाँ से, जो कॉलेज में नाम कर देंगे, और उसके पर एफआईआर करेंगे, ताकि हमारी कॉलेज की बदनामी जो हुई है उसका तो कंपनसेट कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए उस बदनामी को रोकने के लिए हमको कोई तक कोई कार्रवाई करना नहीं पड़ेगा। बिहार में भाजपा के कुनबे में कांग्रेस ने सेंधमारी कर ली है। मुजफ्फरपुर में सांसद रहे अजय निषाद ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस पर बिहार में सियासी तापमान हाई है। भागलपुर में उप मुख्यमंत्री वीर सिन्हा ने कहा कि स्वाभाविक है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो परेशान है, लेकिन बिहार में 40 की 40 सीट और देश में 400 सीट से ज्यादा का आंकड़ा एनडीए पार करेगी। जो एक्सपायरी मेडिसिन है जनता उसे हटाएगी, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता मोदी की गारंटी को स्वीकार करते हैं। लालू की बेटी मैदान में है तो लालू की पुतहू इंसाफ मांग रही है। क्या तो दिए कि पूरे 400 पार कांग्रेस में आ रहे हैं सांसद, क्यों नाराज होकर कांग्रेस में आ रहे हैं? स्वाभाविक है, जिनको टिकट नहीं मिला है वो थोड़ा परेशान रहेंगे। लग रहा है देश में 400 पार होगा, क्योंकि भाजपा के नेता छोड़ के भाजपा जा रहे हैं सर। पूरे 400 पार से ऊपर रहेगा, 40 के 40 बिहार जीतेंगे। जो एक्सपायरी मेडिसिन रहेंगे जनता भी समझती है, आज कई नेता कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को स्वीकारता है और उस पर चलेगा। लालू की पुतो भी इंसाफ मांग रही है। इधर चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद एनडीए मजबूत हुआ है। 400 का लक्ष्य देश भर में हम लोग सरलता से पार करेंगे, मोदी की गारंटी पे। आज की तारीख में देश की जनता को पूरा विश्वास है, और बिहार में मुख्यमंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के आने से गठबंधन को मजबूती मिली है। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 45 में दिनांक 30/3/2024 को नौगछिया थाना कांड संख्या 338/22 विशेष उत्पाद वाद में मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पवन यादव एवं राणा यादव को दोषी पाया गया। दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों को 8 वर्ष की सजा और 1,00,000 का जुर्माना और जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2022 को
पुलिस रंगरा थाना क्षेत्र में शराब के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी। उसी दौरान नगछिया थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई कि नगछिया के कई अन्य कांड में वांछित अभियुक्त राणा यादव अपने सहयोगियों के साथ स्कॉर्पियो से कटिहार से नगछिया की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए रंगरा ओपी पुलिस रंगरा चौक के पास गहन वाहन चेकिंग करने लगी। वाहन चेकिंग के क्रम में करीब 12:30 बजे रात्रि में एक उजले रंग का स्कॉर्पियो चेक पोस्ट की तरफ से आ रही थी, जिसे रुकने का इशारा किया गया। उसमें बैठे लोगों से नाम पता पूछने लगा। इस दौरान स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्ति द्वारा गाड़ी के गेट को धक्का देते हुए गेट को लगाते हुए ड्राइवर को गाड़ी लेकर भागने के लिए कहा। धक्का लगने के कारण दरोगा राजेश रंजन एवं चंदन कुमार जख्मी हो गए। तत्पश्चात पुलिस छापेमारी दल के साथ उक्त गाड़ी का पीछा किया एवं नगछिया थाने को सूचित किया। इसी क्रम में नगछिया थाना की गश्ती टीम ने NH 31 के पास घेर कर उसे पकड़ा और नाम पता पूछा तो अपना नाम पवन यादव एवं राणा यादव बताया। नाम पता बताने के दौरान दोनों के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। दोनों व्यक्तियों को पुलिस संरक्षण में लेकर ब्रेथलाइजर जांच के लिए रंगरा ओपी पहुंचा एवं शराब पीने के संदर्भ में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उक्त दोनों व्यक्ति को संरक्षण में लेकर रंगरा PSC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा शराब पीने की पुष्टि की गई। तत्पश्चात दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जानकारी सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी। थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचित किया गया कि एक अभियुक्त जो वांछित है अन्य बाद में वह आ रहा है और शराब भी पिए हुआ है। रंगरा चौक के पास उसको रोका, उन्होंने ड्राइवर ने फाटक खोला, उस पर दो व्यक्ति बैठा हुआ था, एक का नाम था राणा यादव, दूसरा का नाम था पवन यादव, दोनों साकिनान धोबिनिया और थाना नवगछिया का रहने वाला था। उन लोगों ने उसको अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और रोका नहीं, पुलिस को धक्का दिया, पुलिस ने उसको पीछा किया, पुलिस आगे और गाड़ी जब गई तो उसको पकड़ करके उनका ब्रेथलाइजर से चेक किया गया और पुलिस को कार्य करने में वह बाधा पहुंचाया। इसमें आज माननीय श्री राजेश सिंह ADJ 12 उत्पाद कोड 2 में सजा सुनाई गई, जिसमें सजा सुनाई उसमें 8 वर्ष की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।